नेक्स्ट है अंग्रेज। एक समय कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज पूरे विश्व में अस्त नहीं होता था। ये कथन सही था, ये कथन सही था, क्योंकि यदि भारत में डूबता था तो अंग्रेजों का अधिकार अमेरिका में भी था, वहाँ पे उदय हो जाता था। ठीक है, तो एक समय था। अब देखो यही होता है, एक समय ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी। किस सदी में, किस सदी में? ये हाल है, 19वीं सदी अंग्रेजों की रही, 20वीं सदी में कौन रहा? 20वीं सदी में यूएसए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज। और 21वीं सदी में कौन होगा? मोदी जी तो अमेरिका में बोल ही के आए हैं कि किस, ये उन्होंने यही बोला था, 19वीं सदी अंग्रेजों की थी, 20वीं सदी यूएसए की रही। और वो भी कहाँ बोला था, मेडिसन स्क्वायर का वो भाषण सुनिए उनका ऐतिहासिक, 2014 में बोला 21वीं सदी भारत में होगी, भारत की होगी, है ना। तो 21वीं सदी देखा जाएगा, ये भविष्य की बात है। अभी इस समय अब तो बहुध्रुवीय विश्व बन चुका है और वास्तव में इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला कि भारत का होगा कि उसका होगा, हम सब की कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहते, सबका उत्थान हो। देखा जाए तो ये बार 1600 में कंपनी बनी थी ना, तो उसमें उस समय पहले तो व्यापारी करते थे। जो परचम लहराया इनका पूरे विश्व में, 19वीं सदी में आया, 19वीं सदी में हर जगह अधिकार क्षेत्र करने लगे, समझ रहे हैं। व्यापार, व्यापारी होना और एक शासक की भूमिका निभाना दोनों अलग अलग चीज़ें थी। अब डालिए अंग्रेज। सबसे पहले अंग्रेज कौन सा आया था भारत, क्या नाम था इसका और कब आया था? गलत बात, उससे पहले भी लोग आए हैं। नहीं, लिखिए 1599 एडी में मिडल हॉल, मिल्डन हॉल, 1599 एडी में मिल्डन हॉल, ये एक पर्सन है। मिल्डन हॉल मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया, मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया एवं मुगल साम्राज्य में 7 वर्षों तक रहा। मुगल साम्राज्य में 7 वर्षों तक रहा। ठीक, 31 दिसंबर 1600 AD को, 31 दिसंबर 1600 AD को एलिजाबेथ प्रथम ने, इसका पूरा नाम लिखिए, इस कंपनी का पूरा नाम लिखा रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम लिखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, सामान्यतः इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। सामान्यतः इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 AD में जो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी थी, उन्होंने क्या किया, 15 वर्षों के एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र यानी चार्टर, 15 वर्षों के एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया, जिसके तहत पूर्व में ही वो व्यापार कर सकते थे, पूर्व में ही वो व्यापार कर सकते थे, ब्रिटेन के पूर्व में,
पूर्व में ही व्यापार कर सकते थे। बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को अनिश्चितकालीन बना दिया। पहले 15 वर्ष के लिए था, बाद में इसको जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकाल बना दिया। जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन बना दिया, बाद में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकालीन बना दिया। इस कंपनी के शेयर धारकों में स्वयं महारानी भी थी। महारानी के पास भी इसका शेयर था। शेयर समझते हैं ना, सहभागिता। कंपनी की कुछ मालकिन महारानी भी थी। वैसे थी ये पूरी प्राइवेट कंपनी, समझ रहे हैं। अब जैसे कि आज के टाइम पे रिलायंस है प्राइवेट, लेकिन रिलायंस के शेयर आप भी खरीद सकते हो, है ना। कुछ शेयर खरीद के आप भी कुछ मालिक बन सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी की शेयरधारक स्वयं महारानी भी थी। इसका संचालन 24 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा होता था। इसका संचालन 24 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा होता था, जो इसके शेयरधारकों के बीच से चयनित थे। इस कंपनी के द्वारा प्रारंभ में जावा, सुमात्रा, मलक्का, आदि क्षेत्र में समुद्री यात्राएं की गईं। 1608 AD में क्या नाम है इसका, हाँ, कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। अकबर थे क्या इस समय? पत्र किसके नाम था? पत्र शासन काल जहांगीर का था, लेकिन जेम्स प्रथम ने किसके नाम पे दिया? आते आते बहुत समय लग जाता है, जब वहां से चला होगा तो शायद अकबर का शासन रहा हो, उसे क्या पता कि, है ना। हाँ, और क्या, आज के टाइम से ऐसा थोड़ा ना है कि इंटरनेट खोला कहाँ पे कौन का शासक है। पहले ऐसा थोड़ा ना था, जब यहाँ से गए पता चला वहाँ पे भारत में अकबर का, वहाँ से जब आए पता चला यहाँ जहांगीर है। तो पत्र किसके नाम था? अकबर के नाम था। कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, जिसका जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया। उसे खान की उपाधि तथा 400 का मनसब प्रदान किया। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत भी की। सीख के आया था मोदी जी की तरह। मोदी जी जाते हैं ना, पहले जो शुरुआत वाला जो शब्द होता है विश करने वाला, उसको उसी भाषा में बोलते हैं, वेलकम ऐसे करके सब सीख के जाते हैं वो। उसे जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की। अभी कहाँ है इस समय? चाइना में है, और बहुत बढ़िया से पूरा इस समय पूरा वैश्विक शांति का माहौल बन रहा है। बहुत सार्थक संयोग है इस समय, पूरा विश्व जो है, बस पाकिस्तान को छोड़ दें तो पूरा विश्व एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा रहा है। चाइना भी अच्छा साथ देगा। पाकिस्तान बैठाएगा धीरे धीरे, वो भी समझेगा। वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया यदि एक साथ आ सकते हैं तो पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई है, ये दोनों भाइयों की माँ कौन है? नहीं, ऐसा मत कहिए। उसे खान की उपाधि और 400 का मनसब प्रदान किया, फारसी भाषा में बातचीत की। हॉकिंग्स ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। मांगी तो क्यों नहीं दी? तुरंत कैसे नहीं दी गई? क्योंकि पुर्तगाली
विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों को नहीं, इनको नहीं। ऐसे एकाधिकार समाप्त होता, मोनोपोली नहीं, तो इसलिए फिर क्या हुआ, पुर्तगालियों के विरोध के मद्देनज़र 1613 एडी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई। 1608 में आया था, फैक्ट्री कब बनी, 1613 में। पुर्तगालियों के विरोध के मद्देनज़र 1613 एडी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो सकी। लेकिन पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, यहीं कैसे, मसूलीपट्टनम। 1611 एडी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। इसी बीच 1611 एडी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। सूरत में कब किए, 1613 एडी में। मिडलटन के नेतृत्व में सूरत में तीन जहाज तथा 1612 एडी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में दो जहाज आए। 1611 एडी में मिडलटन के नेतृत्व में सूरत में तीन जहाज तथा 1612 एडी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में दो जहाज आए। कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में दो जहाज आए। पुर्तगालियों द्वारा इनके व्यापार में अवरोध का प्रयास किया गया। परिणामतः कैप्टन वेस्ट एवं मिडलटन ठीक है, 1611 में मिडलटन के नेतृत्व में आए थे जहाज, कितनी संख्या थी, तीन। कैप्टन बेस्ट के साथ कितने आए, दो, टोटल पांच जहाज हो गए। तो पुर्तगालियों ने इनके व्यापार में अवरोध का प्रयास किया, इसके कारण से क्या होगा, एक युद्ध होगा। किस जगह पे हुआ ये युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है, स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, 1612 एडी में परिणामता कैप्टन वेस्ट एवं मिडलटन ने 1612 एडी में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, थोड़ा मुगल शासक भी इनसे परेशान हो चुका था, जो कार्टेज सिस्टम से मुगल सम्राट भी दुखी था, उसे भी कुछ करना होता था तो कार्टेज के माध्यम से ही करना पड़ता था। पहली बार मुगल शासक को ये लगा कि अरे पुर्तगालियों को पराजित कर सकने वाली एक शक्ति भारत में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों के खिलाफ अंग्रेजों को सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें भी इनका उपाय नहीं मिल रहा था कोई, और पहला उपाय अंग्रेज के रूप में दिख गए, तो अब मुगल शासक इनका सपोर्ट करना शुरू करेंगे। 1615 में एक व्यक्ति फिर आया, क्या नाम है, थॉमस रो, हाँ। 1615 एडी में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया। 1619 एडी तक आगरा अहमदाबाद भड़ौच में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। सूरत इनका व्यापारिक केंद्र था।
आगरा अहमदाबाद भड़ौच में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। सूरत इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सोलह सौ ग्यारह एडी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। बता चुका हूँ मैं, 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी जो गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम की लोकेशंस, आप लोग जो भी चीज़ें ना मिले एक ये वाला चैप्टर है, इसमें 1765 ईस्वी में भारत, यहाँ पे आपको लगभग कालीकट मिल जाएगा, ये है कोचीन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए नेगापट्टिनम, ये है नेगापट्टिनम डच है, ये है रहा मसूलीपट्टनम, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है पूरा, गोलकुंडा बीजापुर है, सब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाँ यही है, ये क्या है, तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है मछलीपट्टनम। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं तो मुझे मंत्र तंत्र भी आते हैं, मैं अभी झाड़ फूक करने लगूँगा। सब ठीक है ना? नहीं है ना? हाँ, कोई दिक्कत हो डराइए नहीं, कम से कम डर सबको लगता है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी जगह हैं, चटगांव, ठीक है, जितने भी नाम हैं मैंने सब लिखाया है यहाँ पे, पलासी ये सब इसमें मिल जाएंगे इस मानचित्र में। तो एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसको ज़रूर देख लीजिएगा, लगभग दिख जाएंगे सब। या फिर एक ज्योग्राफी के अंतर्गत चैप्टर रखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, तो 13 सभी बंदरगाहों के बारे में और जो 20 छोटे छोटे बंदरगाह हैं उन सबको भी यहाँ पर देख लेंगे। ये ले लीजिए अपना, ये संपत्ति सबको ही ले लो, काम आएगी, ठीक है। यदि लेट आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी यदि साथ में भी मैं मानचित्र का अध्ययन सोच रहा हूँ कराना शुरू करूँ, लेकिन आप लोग के पास आ ही नहीं रही है, पता नहीं किस दुकान में जाते हैं वहाँ मिलता ही नहीं है। मुखर्जी नगर ही चले जाओ, कोई एक ऐसा कर लिया करो ना, सभी लोग एक आदमी को भेजो प्रतिनिधि बना के, वो सभी का ले आए जिसके पास खाली टाइम हो ज़्यादा। तो 6 बजे वहाँ के कुछ खुला थोड़ा ना मिलेगा, 10 बजे आपको मिलेगा, सुबह जाएंगे टहल के चले आएंगे ताज़ी हवा लेके। वहाँ 8-9 बजे तक सब बंद रहता है, कुछ नहीं खुलता, वही 10-11 बजे के बाद ही सब जगह ओपन होता है। सपना जी ही टारगेट में है, ठीक है, चलिए मुखर्जी नगर जाना चाहिए ना, बत्रा धाम है उसके दर्शन करके आओ, और चारों तरफ जो है वहाँ पे एक चाय की दुकान है उसके चारों तरफ, वहाँ पे है ना, मुखर्जी नगर सबसे अच्छी जगह है भारत में। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ डच विरोध, मसूलीपट्टनम की बात हो रही थी, मसूलीपट्टनम में मैंने बताया कि इन्होंने 1611 में व्यापारी गोठी स्थापित की थी जो गोलकुंडा की प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ डच विरोध एवं स्थानीय अधिकारियों की समस्या के मद्देनज़र यहाँ
डच विरोध एवं स्थानीय अधिकारियों की समस्या के मद्देनज़र 1626 एडी में अरमा गांव में दूसरी फैक्ट्री खोली गई। अरमा गांव में 1626 एडी में अरमा गांव में दूसरी फैक्ट्री खोली गई। डच विरोध और स्थानीय अधिकारियों की समस्या के नज़र मद्देनज़र 1626 एडी में अरमा गांव में दूसरी फैक्ट्री खोली गई। 1632 एडी में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। इसके तहत कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, यानी 500 पैगोडा वार्षिक कर दो आप। और पैगोडा क्या थी? एक स्वर्ण सिक्का था, डचों के समय पे ये भद्दा था। तो 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। हाँ जी, हाँ, अच्छा, किसने चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? आया था क्वेश्चन, बाबर ने चलाया था। नेक्स्ट पूरा पढ़ लो मुझसे, एक समय बाद सब सही करके आओगे। हाँ, आप लोग लेट हो, आप लोग बहुत लेट आए हो। इतनी जल्दी, इतनी देर थोड़ो ना आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। जब 12वीं हो गया था तभी मुलाकात होती। हाँ, मैं तो था धरती में। संस्था की क्या ज़रूरत थी। चलिए आगे, अभी बहुत लोग भटक रहे हैं, फिर मुलाकात होगी उनसे। आप लोग जाएंगे फिर उन्हें बुलाएंगे। नेक्स्ट, 1639 एडी में फ्रांसिस डे ने 1639 एडी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मद्रास ले लिया। तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कराई। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज भी है कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, वैसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मद्रास ले लिया। यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कराई। यह कोरोमंडलीय व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। एक प्रेसिडेंसी बन गई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी बाद में। यह कोरोमंडलीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। 1633 एडी में महानदी डेल्टा पर 1633 एडी में महानदी डेल्टा पर स्थित हरिहरपुर एवं बालासोर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। सोलह सौ इक्यावन एडी में
ब्रिजमैन ने 1651 एडी में ब्रिजमैन ने हुगली में व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। ब्रिजमैन ने हुगली में व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। सोलह सौ इक्यावन में ब्रिजमैन ने हुगली में व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। इसके बाद कासिम बाजार पटना में भी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। कासिम बाजार पटना में भी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। कोलकाता जाओ, काफ़ी कुछ घूमने को मिलेगा। भारत की पहले की राजधानी है ना। वहाँ पे दक्षिणेश्वर है, दक्षिणेश्वर है कोलकाता में। श्री राम कृष्ण परमहंस मिशन है ना, विवेकानंद के द्वारा। वो बहुत ही सुंदर जगह है। कोलकाता भी है, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट, 1658 एडी में बंगाल बिहार उड़ीसा के अलावा 1658 एडी में बंगाल बिहार उड़ीसा के अलावा कोरोमंडल तट के सभी व्यापारिक बस्तियां, कोरोमंडल तट की सभी व्यापारिक बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज को अधीन कर दी गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कहां पर था ये? मद्रास में। बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए अभी बनेगा, कोलकाता पूरा केंद्र बनने वाला है। बंगाल बिहार उड़ीसा के अलावा कोरोमंडल तट की सभी व्यापारिक बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई, अधीन कर दी गई। अंग्रेज बंगाल से मुख्यतया रेशम, सूती वस्त्र, सोरा व चीनी का व्यापार करते थे। कुछ समय बाद आपका हाथ बहुत मजबूत होगा, ये तो तय है। किसी को एक थप्पड़ दाएं हाथ से मार दिए तो उसको अंगूठा और ये वाली उंगली सबसे ज़्यादा तेज लगेगी। तो आप बताइएगा, बोले बहुत मेहनत किया इन दोनों ने। दर्द होता है? अब नहीं होता, शुरू से ही नहीं हुआ। हुआ तो दर्द तो होता होगा? नहीं होता, नहीं हो रहा। सब पहले स्टार्टिंग हो जाता है। करिश्मा जी का भी स्पीड अच्छा है, आपका भी अच्छा है, अच्छा है स्पीड। अनिल जी के साथ दिक्कत है, दर्द होता है कि नहीं? हाथ दर्द होते हैं? आलोक जी आपका क्या हाल है? अभी ठीक नहीं है आलोक जी, मेंस पूरा लिखित है, लिखो स्पीड पे आओ। एक योद्धा होता है ना, योद्धा क्विट नहीं करता है। योद्धा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। पद्मावती देखिए ना, रतन सिंह को देखिए, अकेले लड़ने जाते हैं। हाँ, जो योद्धा होता है उसका सर कट जाता है फिर भी उसका धड़ लौटता जाता है, वो राजपूत। वो ऐसे कुछ डायलॉग मारता है। तो मतलब आपके अंदर योद्धा प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको राइटिंग स्किल ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम की पहली डिमांड ही है राइटिंग स्किल, तो इसलिए लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अपने से आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली, मुझे पता है। वो तो मेरा दिमाग, मेरी आवाज़ आपको इंटरफेयर करती होगी इसलिए धीमा लिखते हो। जिस दिन खुद से हो जाएगा तो यही स्पीड आपकी दोगुनी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल में तो लेक्चर होते हैं साधारणतः, और मैं सच बताऊं तो यूपीएससी में भी कोचिंगों में लेक्चर करवाए जाते हैं, ना कि ये नोट्स वगैरह कोई बनवाता है। नोट्स प्रिंटेड दे दिए जाएंगे आपको, किलो पढ़ लेना, जो कि आप ले जाते हो। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है तो वही फिर वो कबाड़ी आके पढ़ता है। अच्छा, यूपीएससी के नोट्स हैं? सच बता रहा हूँ मैं, मजाक तोड़ो ना कर रहा हूँ। नोट्स कोई नहीं पढ़ता है, नोट्स ही पढ़ना होता तो मैं बता रहा हूँ 500 किताबें पूरी मार्केट भरी पड़ी है। चले जाओ मुखर्जी नगर, खरीद लाओ, हर कोचिंग का नोट्स मिल जाएगा आपको। विजन आईएएस, बाजीराव, दृष्टि आईएएस, A to Z सबके नोट्स हैं। तो फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक खुद के हाथ से आप खुद मेहनत करके ना बनाओ। सबके नोट्स अवेलेबल हैं, यहाँ कौन सा बहुत दिक्कत है? तो खुद के नोट होता है कि ऑलरेडी पढ़े चुके हैं ना हम सारा,
ये आप पढ़ रहे हो एक बार, ये आप यहाँ पे एक बार पढ़ रहे हो, एक रिवीजन करोगे, एक रिवीजन और करोगे, तीन रिवीजन हो जाएंगे, तीसरे रिवीजन के बाद चुपचाप एग्जाम देके आओ, चुपचाप एग्जाम देके आओ, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा गारंटेड। कल आया ना बहुत लोगों का नाम, देखे क्या उनके साथ, कल उस पल को महसूस करना चाहिए, लिस्ट देखने के बाद देखो रैंक जिनकी लगी होगी उनके दिल में क्या तमन्ना है, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी आईएएस के एग्ज़ाम पे वो पूरी रैंक वो पूरी लिस्ट शुरू से लेकर अंत तक देखो, एक दिन आपको भी छाटना है उसमें कि है कि नहीं है, हो गया तो समझो क्या वो क्या लम्हा होता है, वो फील नहीं हो अभी नहीं पता चलेगा, उस समय लगता है कि शरीर में जैसे नाभिकीय विखंडन हो गया, अपार ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी वो परमाणु विखंडन होता है, इतनी ऊर्जा आती है पोस्ट, फिर उसको आप जो है ऐसे ही तौलेंगे उसे एक तराजू में रख के पोस्ट के रूप में, आपकी कितनी शिद्दत की मेहनत है जो एक उसमें कॉलम में आके किसी ने कह दिया हाँ यू आर क्वालिफाइड, आपकी सदियों की कहूँ 2-3 साल की मेहनत होती है वो एक लिस्ट में नाम आना, एक आयोग, आप ऐसा नहीं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अयोग्य है ये कोई गलत बात है, वो भी योग्य उतने ही होते हैं, लेकिन जो सफल हो जाना बोलते हैं ना सिद्धि मिल जाना, वो लिस्ट आपको सिद्धि दिला देती है, सफलता से सिद्धि तक की बात होती है ना, तो वो लम्हा फील करना चाहिए, अकेले में जाके थोड़ी देर वो लिस्ट को ही देखो और कुछ नहीं, ज़रूर आपका नाम नहीं है, अज्यूम करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, देखो शायद आप भी हो सकते हो अगले साल, ये भी बनाओ कि कहाँ तक मेरा नाम, कितना पेज मुझे स्क्रॉल करना है उसके बाद मेरा नाम मिल जाए, ये भी एक बड़ी बात है, सबसे नीचे शुरुआत करनी है कि ऊपर के बस पहले ही पेज में नाम मिल जाए, ये भी बड़ी बात है, पहले ही पेज में मिले ऊपर की 1-2 लाइनों में मिल जाए, ये भी एक बड़ी संकल्पना होती है, उसी हिसाब से इनपुट देना पड़ेगा, दरअसल बात इतनी सी है, जितनी बड़ी सोच जितने पेज में अपना नाम लेना हो उसी हिसाब से इनपुट दो, लिस्ट से बाहर आना हो तो मत दो, वो ऑटोमेटिक, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है, बहुत इजी है और सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतने लोग हो गए ना, आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लोगों का हुआ है और कोई नहीं, वो एक लड़का जो है उसकी फ़ोटो देखिए जो टॉप किया है इस बार, ठीक है, थोड़ा नज़दीक से देखिए आपकी शक्ल उससे कितनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़्यादा, सब कुछ आपके पास है, लेकिन बस वही बात है उसने इनपुट दे दिया, हो गया, इनपुट देना एक बार हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसने एक अथक प्रयास किया उसके लिए, ठीक है, जब आप सिनेमा देख रहे होंगे तो शायद वो पढ़ रहा होगा, जब आप यूट्यूब में किसी और दुनिया में खोए होंगे तो शायद वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, जब आपके मन में नए कपड़ों का ब्रांड ये सब चीज़ें आ रहे होंगे तो शायद वो पढ़ रहा होगा, बस यही बात होती है और कोई अंतर नहीं होता है, आप एक चीज़ ध्यान देना, जिस समय को आप बर्बाद करते हो उस समय कोई तो पढ़ रहा होगा, और जब कोई तो पढ़ रहा होगा तो यानी कि आप किसी से तो पीछे जा रहे होगे, अकेले तो कर नहीं रहे हो, यहाँ पे एक बड़ी पूरी भीड़ है और भीड़ में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो लगातार एक सही दिशा में सही डायरेक्शन में गति से गतिमान है ना, वो लोग जो हैं हमेशा जब भी मन ना लगा करे डिमोटिवेशन हुआ करे तो यही सोचो कि एक बहुत बड़ी जो मुझसे आगे जाने वाले हैं, अपनी रेस आप किससे देख रहे हो, चंद लोगों से मत देखो, रेस देखो 10 लाख की इस आबादी से जो इस एग्ज़ाम को भरती है, 10 लाख में आपको अव्वल रहना है सबसे, तो कितना पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा समय निकाल, और वो भी क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ ही रहे हो फर्जी पढ़ रहे हो, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, तो यदि इतना कर लो तो सिलेक्शन कठिन है क्या, नहीं, आप भी उस रैंक में आ सकते हो, बहुत बड़ी तीर और वो नहीं है, तोप नहीं है वो, ठीक है, दुनिया में तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाई करना है हमें इजीली, मोटिवेशन इसके लिए कुछ मोटिवेशन लाइक होता रहता, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं कह रहा था कि कल जो लिस्ट आई थी उसको गौर से देखना चाहिए, बस वही एक अपने आप में मोटिवेशन है, UPSC की वो लिस्ट, उसके लिए लोग मर रहे हैं, उस लिस्ट में केवल नाम आ जाए, उसी के लिए आप भी तरस रहे हो, ठीक है, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना, एक बेब छोड़ सकते हो पॉजिटिव कि मेरा भी इस लिस्ट में नाम हो शायद, मेरा भी कल कोई आए इंटरव्यू ले शायद, ये पॉजिटिव बेब्स हैं, ठीक है, ये आपको फ़ायदा करेंगे।
सकारात्मकता है, एनर्जी है, ठीक है, तो शायद हो सके अगले साल तक हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जितना समय कम बचा है, जितना भी बचा है झोंक दो, झोंकना तो पड़ेगा। एक साल करियर के नाम, बस एक ऐसा करियर जो आगे आने वाले 50 सालों को बेहतरीन बना देगा और पीछे की 5 पीढ़ियों को बेहतरीन बना देगा। गांव घर देहात जाओगे तो बोला जाएगा इसका नाती है ये, बाबा भी तर गया है ना, सभी भाई सब तर जाएंगे आपके चक्कर में, सब तर जाएंगे। तो इसलिए यही एक पोस्ट है जहां पे आप जा करके बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों अनिल जी, आपका तो नाइट्रेट लेके फिर मत जाइएगा। नाइट्रेट वालों को पकड़ना है फिर। अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। मैं संकेत कर दिया करूं तो आप उसको खोल मत दिया कीजिए। यहाँ पे क्लास चल रही होती है। चलिए अब हम टॉपिक को लिखते हैं। हमारी आपकी कोड वर्ड में बात होती है, उसको कोड वर्ड में रखा कीजिए। मुझे फिर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधे घंटे बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ कि पहले उस टॉपिक को हटाऊँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ? हाँ, सोरा चीनी का व्यापार करते थे अंग्रेज, मुख्यतः बंगाल, अंग्रेज बंगाल से मुख्यतः रेशम। सोरा नहीं जानते, बताइए। सोरा ये हाल है, नदी होता है ना, सोरा सोरा दो प्रकार का है। एक सोरा तो आप जो सर्फ एक्सल के रूप में प्रयोग करते हो, सोडा, सोडा, ठीक है, और दूसरा होता है जो विस्फोटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, गंधक पोटास वगैरह आती है ना, ठीक है, उसी में सोरा भी होता है, उस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक सोरा और होता है मीठा सोरा, खाने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो कई सोरा हैं। सोरा चीनी का उद्योग भी विकसित था उस टाइम? हाँ बिल्कुल था। चीनी का व्यापार करते थे 1651 एडी में शाह सुजा ने ₹3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता दे दी। बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता दे दी, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के साथ ही सुजा का शासन समाप्त हो गया। 1651 एडी में शाह सुजा ने ₹3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में चुंगी का मतलब था टैक्स फ्री, चुंगी मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता दे दी, किंतु उत्तराधिकारी युद्ध के समय ही, उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था? 1658 में औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में। उत्तराधिकारी युद्ध के समय ही सुजा का शासन समाप्त हो गया। 1672 में शाइस्ता खान ने एक फरमान जारी किया। 1672 में शाइस्ता खान ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेजी कंपनियों को चुंगी अदा करने से मुक्ति मिल गई। 1680 एडी में औरंगजेब ने 2% चुंगी 1680 एडी में औरंगजेब ने 2% चुंगी 2% चुंगी एवं 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी। 2% चुंगी और 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी। जजिया क्यों?
धार्मिक कर था, ठीक है, जो गैर मुस्लिम होते थे उन पे लगने वाला कर होता था। चूँकि ये क्रिश्चियन थे इसलिए इनके ऊपर भी जजिया लगाया गया, 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी। 1668 एडी में बम्बई कंपनी को मिल गया, किसके माध्यम से मिला, विवाह के माध्यम से। विवाह के बाद दहेज इन्होंने 10 पाउंड में ले लिया, किराए पे ले लिया, पट्टे पे। 1668 एडी में बम्बई कंपनी को मिल गया, इसके बाद पश्चिमी व्यापार व अन्य गतिविधियों का केंद्र बम्बई हो गया। पहले कोलकाता और मद्रास ही था इनके पास, बाद में इन्होंने बम्बई को लीज में ले लिया और एक प्रेसिडेंसी के रूप में इसे डेवलप किया, है ना। आज बम्बई आप जानते हैं जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे जनघनत्व वाला नगर कौन सा है, दिल्ली, फिर मुंबई, ठीक है। इससे बम्बई की आर्थिक एवं भौतिक प्रगति हुई, तथा जनसंख्या 60,000 तक पहुंच गई। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले की बात है ये, जनसंख्या 60,000 तक पहुंच गई। 17वीं सदी के अंत तक बम्बई का महत्व सूरत से अधिक बढ़ गया। 17वीं सदी के अंत तक बम्बई का महत्व सूरत से अधिक बढ़ गया। बम्बई की महानता का संस्थापक वहाँ का गवर्नर गेराल्ड अंगियार था। जिसने बदलते संदर्भ के मद्देनज़र कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था, क्या लिखा था, इस पूरी लाइन को लिखिए। अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें। देखिए बहुत बड़ी लाइन है, इस बात में क्या संकेत मिल रहा है, अपने हाथ में तलवार लेकर, यानी कि अब आप खुद शासक बनिए। कब तक आप दूसरों से फरमान जारी कराते रहेंगे, कब तक दूसरों को चुंगी देते रहेंगे और कब तक दूसरे आपके व्यापार मार्ग में बाधक बनकर खड़े होते रहेंगे, इसलिए अब आप खुद राजा बनिए। ये लाइन में ये संदर्भ छुपा हुआ है, ठीक है। अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें, यानी एक हाथ में प्रार्थना पत्र व दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते ही युद्ध कीजिए। ये एक बहुत बड़ी लाइन है। नाम क्या है इसका, गेराल्ड अंगियार, बम्बई का इस समय का गवर्नर था ये, और बम्बई की महानता का संस्थापक इसे कहा जाता है, ठीक है, गेराल्ड अंगियार। 1687 एडी में ये पूरी यात्रा है अंग्रेजों की, धीरे धीरे कैसे वो डेवलप्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो प्लासी आया ही नहीं, अभी तो बक्सर आया ही नहीं, अभी उसके पहले की घटनाएं हैं सभी। 1687 एडी में डायरेक्टर्स के अध्यक्ष जोशुआ चाइल्ड ने मद्रास के अधिकारी को लिखा कि अब हमें वह आधार निर्मित करना चाहिए जिस पर प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचा खड़ा हो। जिस पर प्रशासनिक
एवं सैनिक ढांचा खड़ा हो। इस नीति को कार्य रूप उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने दिया। इस नीति को कार्य रूप उसके भाई सर जॉन चाइल्ड ने दिया। सर जॉन चाइल्ड ने दिया। सोलह सौ नब्बे एडी में जॉब चारनॉक ने 1690 एडी में जॉब चारनॉक ने सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। सूतानाती 1690 एडी में जॉब चारनॉक ने सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। बर्धमान के जमींदार, बर्धमान एक जगह है, कहाँ पर है बर्धमान? पश्चिम बंगाल में। बर्धमान विस्फोट हुआ था ना, ठीक है। बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के बाद, ये लिखवाया था डचों में भी मैंने लिखवाया था कि डचों में अपना जो उनकी फैक्ट्री थी उसका दुर्गीकरण इन्होंने करवाया था इन लोगों के विद्रोह के बाद। बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के बाद 1696 में इसे किला बंद करने की अनुमति मिल गई। इसे किला बंद करने की भी अनुमति मिल गई। किला बंद करने की अनुमति भी मिल गई। 1691 एडी में बादशाह के हुक्म से 1691 एडी में बादशाह के हुक्म से इब्राहिम खान ने एक बार फिर से ₹3,000 के बदले अंग्रेजों को व्यापार की चुंगी मुक्त कर दिया। ₹3,000 के बदले अंग्रेजों को व्यापार से चुंगी मुक्त। देख रहे हैं, पहले चुंगी लग रही है, फिर मुक्त हो रहे हैं, फिर चुंगी लग रही है, फिर मुक्त हो रहे हैं। ₹3,000 के बदले अंग्रेजों के व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। 1698 एडी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुरी, सूतानाती, ये सब बंगाल की साइट्स हैं, सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुरी की जमींदारी अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुरी की जमींदारी शाह अजीमुस्सान से द्वारा मिली। शाह अजीमुस्सान ने इन्हें जमींदार बना दिया अंग्रेजों को। अजीमुस्सान द्वारा मिली। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जॉब चारनॉक ने इन्हीं स्थानों पर कलकत्ता की स्थापना की। ये है कलकत्ता आपका, इन तीनों को मिला दीजिए, ठीक है। कालीकता नाम है ना, यही है कलकत्ता बाद में डेवलप हुआ। तो कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक ने इन्हीं स्थानों पर कलकत्ता की स्थापना की। तथा यहाँ किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम कहा जाने लगा। तथा यहाँ के किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम कहा जाने लगा, ठीक है। विलियम तृतीय के नाम पे इसका नाम फोर्ट विलियम रखा। फोर्ट का मतलब जानते ही हैं, किला है ना। विलियम के नाम पे इसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया गया। बंगाल की तमाम कोठियाँ इसके अधीन कर दी गईं। बंगाल की तमाम कोठियाँ इसके अधीन कर दी गईं। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था? फोर्ट विलियम, वो विलियम तृतीय शासक का नाम है। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर था सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। सर चार्ल्स आयर को
फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। काफ़ी लिखवा दिया क्या मैंने? क्यों आलोक जी, कितने पेज हो गए? सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बना दिया गया। बस समाप्त है। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स 17वीं सदी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स फ्री ट्रेडर्स कंपनी इसे इंटरलोपर्स भी कहती हैं थी कंपनी इसे इंटरलोपर्स भी कहती थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स, इनका दूसरा नाम था इंटरलोपर्स भी कहती थी, भारत में व्यापार की अनुमति की मांग कर रहे थे। आप समझ रहे हैं अभी किसका एक अधिकार चल रहा है यहाँ पे? कंपनी का। वहाँ पे अब ब्रिटेन में डिमांड क्यों वहाँ पे मांग चल रही है बताइए? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बहुत ज़्यादा अधिशेष बच रहा है, अब सबको मार्केट चाहिए। भाई वहाँ जो भी व्यापारी होगा, पता चला भारत सरकार के द्वारा केवल जियो को ही दे दिया गया मोनोपोली, कि आप इस इंडस्ट्री में, दूर संचार इंडस्ट्री में आप ही की मोनोपोली। ये तो गलत बात है ना, प्रतिस्पर्धा भरा युग है, यहाँ पर सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो वैसे ही इसकी मोनोपोली थी, अब वहाँ पे डिमांड चालू होगी, अब एक बहस चालू होगी कि कैसे कंपनी के राइट्स ख़त्म किए जाएं। इंग्लैंड में ये डिमांड चालू हुई थी। इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स भारत में व्यापार की अनुमति मांग कर रहे थे, क्योंकि जो भी कंपनी का अधिकारी वहाँ जाता था वो बताता था कि भारत में बहुत बढ़िया है, एक नंबर का पैसा है, ठीक है। तो इस कारण से जो अन्य व्यापारी होते थे, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वहाँ डिमांड चालू हो गई कि भारत जाना है, भारत में व्यापार करना है ना, अनुमति की मांग कर रहे हैं थे। इस वहाँ की संसद का रुझान भी उनकी तरफ था। 1694 में कंपनी के एक अधिकार वापसी का विधेयक संसद में पास हुआ। 1694 में कंपनी के एक अधिकार वापसी का विधेयक संसद में पास हो गया 1694। अभी लेकिन मोनोपोली तोड़ी नहीं जाएगी, टूटेगी। एक अधिकार वापसी का विधेयक संसद में पास हुआ एवं 1698 में न्यू कंपनी गठित की गई। 1698 एडी में न्यू कंपनी गठित की गई। एक नई कंपनी गठित हो गई। अब ये भी कंपनी के व्यापार के लिए भारत में दूध बना के भेजा जाएगा, है ना। देखो यहाँ से एक तरह अभी मोनोपोली के लिए एक तरीके से 1698 में ही, अब देखो ये सब चीज़ें आमतौर पे हम नहीं जानते, ठीक है। इसी टाइम पे वहाँ पे एक बिल पारित हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, 1698 में एक कंपनी, 1694 में मोनोपोली ब्रेक हो गई, एक बिल पारित हो गया। अब 1698 में एक कंपनी गठित की गई जिसका नाम है न्यू कंपनी, ठीक है। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई है। वैसे कब टूटेगी वो? 1813 से, है ना, वहाँ से टूटना चालू होगी। लिखिए आगे, इस कंपनी के व्यापारिक लाभ प्राप्त करने हेतु, किस कंपनी के, न्यू कंपनी जो बनी, इस कंपनी के व्यापारिक लाभ प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस को, ये नया बंदा है, जैसे हॉकिंग्स को पहले भेजा गया था वैसे इसका नाम है विलियम नॉरिस को इंग्लैंड के राजा का दूत बनाकर औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। विलियम नॉरिस को इंग्लैंड के राजा का दूत बनाकर औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, किंतु व्यापारिक सफलता नहीं मिल सकी।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके संबंध कटु होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये कौन सी दूसरी कंपनी जो न्यू कंपनी थी, इनके साथ इनके संबंध कैसे हो गए, मतभेद हो गया दोनों के बीच में, संबंध कटु हो गए। दोनों कंपनियों के मध्य 1702 में समझौता हुआ, दोनों कंपनियों के मध्य 1702 में समझौता हुआ और दोनों कंपनियां 1708 में संयुक्त हो गई, ज्वाइंट हो गई, मर्जर हो गया दोनों का। अभी देखिए दोनों के पांव यहां खड़े नहीं हुए हैं, अभी केवल व्यापार ही कर रहे हैं, प्रशासन में अभी नहीं आए हैं, अब ये और मजबूत हो जाएगी, समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी और न्यू कंपनी दोनों एक साथ मर्ज हो गई, अब इसके पास पूंजी बढ़ गई, पावर बढ़ गई, अब ये प्रशासन की तरफ धीरे धीरे रुख करेंगे। इसका नाम क्या बन गया, नाम लिखे द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज, द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ये नई कंपनी है ईस्ट इंडिया, ये मर्जर के बाद बनी नई कंपनी है, क्लियर। अब इस कंपनी का फिर से दूत आएगा, कौन आया लिखिए, 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन के नेतृत्व में, 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल शासक फर्कुसियर के दरबार में आया, मुगल शासक फर्कुसियर के दरबार में आया, दरअसल सच बताएं तो फर्कुसियर को इस समय दर्द नहीं था, वो अलग बात है, नहीं नहीं ये एक प्रतिनिधि मंडल आया था यहाँ पे और उसी समय सम्राट के एक घाव था, नासूर बोलते हैं उसे, नासूर मतलब वो सही नहीं हो पाता, नासूर था है ना, तो नासूर था। अब यहाँ पे जानते हैं इलाज कैसा, देसी इलाज, वो होम्योपैथिक वाले, तो एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन, वो हैमिल्टन पहुँचा और हैमिल्टन पहुँच करके उसके नासूर को सही कर दिया, सम्राट खुश, बोलो मांगो क्या चाहते हो। तो क्या होगा अब यहाँ से, एक फरमान जारी होगा और उसी फरमान से इन्हें बंगाल बिहार उड़ीसा की फ्री ट्रेड का इन्हें फरमान प्राप्त होगा, लिख लीजिए। हाँ, प्रतिनिधि मंडल मुगल शासक फर्कुसियर के दरबार में आया, इसमें कौन कौन से थे, एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन, एडवर्ड स्टीफेंस एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है, एडवर्ड अलग नहीं है, स्टीफेंस अलग है, एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन व ख्वाजा सेहुर्द नामक आर्मेनियन दुभाषिया, आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया का ही निवासियों को क्या बोलते हैं, आर्मेनियन दुभाषिया, मतलब जानते ही हैं आप, आर्मेनियन ट्रांसलेटर, यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में, ठीक है, द्विभाषिया था। हैमिल्टन द्वारा फर्कुसियर की बीमारी का सफल इलाज किया गया, हैमिल्टन द्वारा फर्कुसियर की बीमारी का सफल इलाज किया गया। फर्कुसियर ने 1717 में एक फरमान जारी कर फर्कुसियर ने
1717 में एक फरमान जारी कर उन्हें सारी सुविधाओं, देखिए एक मैंने लिखवाया होगा पहले 1691 में क्या था, इनको 3000 रुपये में क्या मिला था, चुंगी का, बिना चुंगी के व्यापार करने का, मुक्त व्यापार, चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार था सिर्फ 1691 में। तो अब क्या करेगा फरकुसियर, क्या करेगा उसी 1691 की चीज़ों को फिर से इनको वापस लौटा देगा। 1717 में फरकुसियर ने एक फरमान जारी कर उन सारी सुविधाओं को स्वीकार कर लिया जो ब्रिटिशर्स को 1691 एडी में दी गई थी, जो ब्रिटिशर्स को 1691 एडी में दी गई थी। क्लियर हो रहा है बात, उन सारी सुविधाओं को स्वीकार कर लिया जो ब्रिटिशर्स को 1691 एडी में दी गई थी। साथ ही उन सुविधाओं का विस्तार गुजरात दक्कन तक कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें थी लिख लीजिए, फरमान में क्या क्या बातें लिखी थी, यही फरमान आगे जाकर के नासूर बनेगा और यही फरमान आगे जाकर के प्लासी के युद्ध का कारण भी बनेगा, ठीक है, और यही फरमान भारत को गुलामी में तब्दील करा देगा। लिखिए पहली बात है, कंपनी को बंगाल के व्यापार करने का तो एक अधिकार था ही, इसके अतिरिक्त क्या क्या बातें थी। कंपनी को बंगाल के दीवान की अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिल गई। 38 गांवों को कलकत्ता के पास खरीद सकते थे वो। कंपनी को बंगाल के दीवान की अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिल गई। यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो, नेक्स्ट है, यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो कंपनी द्वारा शाही मुद्रालय के उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है, यानी कि शाही मुद्रालय से मुद्रा भी बनवा लो। यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो कंपनी द्वारा शाही मुद्रालय के उपयोग की भी अनुमति दी जा सकती है। ये सब मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या फरकुसियर द्वारा दिया गया 1717 का फरमान भारत की आज़ादी के लिए खतरा रहा, टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन गए, उसमें ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है, आप बिल्कुल गंभीरता बता सकते हो कि ये बड़ी गंभीर बातें थी। हैदराबाद में निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिल गई। अभी इसका दुरुपयोग करेंगे आप, देखिएगा इस फरमान का ये लोग दुरुपयोग करेंगे। हैदराबाद में निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिल गई। सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। कंपनी के बंबई टकसाल में ढाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन होने लगा। कंपनी के बंबई टकसाल में ढाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिखिए, आर्म्स नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने, इसका नाम है आर्म्स नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा मतलब समझते हैं अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कंपनी का मैग्ना कार्टा, अब देखिए इसमें कितने अधिकार, एक तो पहली बात बंगाल बिहार और उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों में फ्री ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसका भी आगे चल के दुरुपयोग करते हैं और उसी के कारण से बंगाल का नवाब बोलता है कि ये क्या कर रहे हो भाई, तो फिर ये युद्ध में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेज़ों का जितना भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी समाप्त होती है।
अब आगे अंग्रेजों के बारे में जब हम लोग नेक्स्ट चीज देखो, ये तो था उनका व्यापार, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी थी। अभी अंग्रेजी साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ इसकी तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि अभी यहाँ पे वो बात हम करेंगे नहीं। यहाँ पे केवल कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंपनियों में कौन क्या क्या घटनाएं इनकी हुई, कैसे कैसे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कैसे व्यापार कर रहे हैं। अब एक शासक के रूप में कंपनी कैसे बनी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में आधिपत्य के रूप में देखेंगे, प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, ये सब फिर वहाँ पे देखेंगे।